नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही सियासी पारा चरम पर है। बयानों की बौछारें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी जहां बीजेपी और सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की नाकामी को जनता के बीच उछाल रही है। निकाय चुनाव से पहले वार पलटवार का तड़का भी लग रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंसल न्यूज के इस खास पेशकश को, जिसका नाम है मोहल्ला पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी जंग जारी है। देवास में भी महापौर चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां विकास को मुद्दा बनाने की बात कह रही है, तो कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। जल्द होगा निकाय चुनाव का ऐलान, बीजेपी बोली तैयार है हमारा प्लान। महंगाई को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, कौन जीतेगा शहर सरकार की रेस। प्रदेश की 16 नगर निगमों में से एक देवास नगर निगम में महापौर पद के लिए मुकाबला तगड़ा होगा। निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। देवास में पिछली बार बीजेपी से सुभाष शर्मा महापौर बने थे, लेकिन इस बार महापौर की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार भी महापौर बीजेपी से ही होगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज राजानी को चुनौती भी दी है कि वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारें। साथ ही कहा कि इस बार बीजेपी विकास को लेकर जनता के बीच जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, इसलिए बीजेपी की जीत पक्की है और जल्द ही बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। हम सब हमारे जनप्रतिनिधि लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके एक सर्वानुमति से एक नाम तय होगा और वो कमल का फूल निशान के आधार पर हम सब लोग मिलकर उस व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ संगठन लगेगा। खुली चुनौती देता हूँ कि वे महापौर पद के सामान्य उम्मीदवार में स्वयं लड़कर भी देख लें। बीजेपी ने जैसे ही कांग्रेस को चुनौती दी, तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज राजानी भी ताल ठोकने तैयार हो गए और कहा कि अगर सीट सामान्य पुरुष के लिए होती तो जरूर लड़ता। कांग्रेस की माने तो उनका भी प्लान तैयार है और कांग्रेस जनता के बीच बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाएगी। साथ ही शहर की जनता को ये भी बताएगी कि जो भी विकास शहर में हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, जैसे ही आचार संहिता लगेगी या चुनाव का बिगुल बजेगा हम अपने चेहरे सामने लाएंगे। साथ ही पेट्रोल डीजल और गैस के रेट जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर भी हम इस बात को जनता के सामने रखेंगे। चेहरों की बात है, चेहरे सामने आएंगे, चिंता न करें, शानदार चेहरे आएंगे। बिल्कुल 25 लोगों ने आवेदन किए हमारी पार्टी में। सामान्य सीट होती, अनारक्षित सीट होती पुरुष के लिए, तो मैं तो डंके की चोट चुनाव लड़ता। अगर पिछले निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो देवास में कुल वार्ड की संख्या 45 है। इनमें 25 वार्ड में बीजेपी के पार्षद जीते थे, तो कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी और 11 निर्दलीय पार्षद ने जीत हासिल की थी। वहीं वोटर्स की बात करें तो जिले में 10,97,872 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष मतदाता करीब 5,68,803 है और महिला वोटर 5,29,046 है। जाहिर है कि इस बार के निकाय चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी। यही वजह है कि चुनावी ढोल बजने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप के जरिए नेताओं ने एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। इधर नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां भी बढ़ गई है। करेरा में नगर परिषद अध्यक्ष के लिए पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। नेता पोस्टर के जरिए खुद को दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स पर दिखे रिपोर्ट। तेज हुई टिकट की दावेदारी, पोस्टर के जरिए पेश की उम्मीदवारी, नेताओं पर चढ़ा चुनावी रंग, जनता देगी किसका संग।
शहर की गलियां और चौवारे नेताओं के पोस्टर से पट चुके हैं। दरअसल निकाय चुनाव से पहले ही नेताओं के बीच टिकट को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। उसका ही नतीजा है कि नेता पोस्टर के जरिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें से कुछ पोस्टर तो नए साल आने के पहले यानी दिसंबर में लगा दिए गए थे, क्योंकि पहले फरवरी में चुनाव होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन चुनाव टल गए और अब फिर से एक बार चुनाव का वक्त नजदीक आया तो नेताओं ने पोस्टर लगाकर नगर परिषद के अध्यक्ष की दावेदारी पेश कर दी है। भले ही इन पोस्टरों में नए साल या त्योहारों को लेकर शुभकामनाएं देने का संदेश लिखा हो, लेकिन हकीकत में इनका उद्देश्य अपने चेहरे चमकाना और टिकट पाना है। और पोस्टरों में लगे कुछ चेहरे भी ये बात स्वीकारते हैं। नहीं, तैयारी भी है, लेकिन हम लोग राजनीति से पहले ही से जुड़े हैं। हमारा परिवार राजनीति में वो है, तो उस हिसाब से हम लोग त्योहारों में शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए ये सब करते ही रहते हैं। लेकिन अब नगरी चुनाव, निकाय चुनाव हैं, तो उसके लिए उसमें भी आने का हमें सब पहचान हो सके, सबसे मिलजुल सके, क्योंकि मैं इसको योग्य मानती हूँ, एक योग्य उम्मीदवार मानती हूँ। इसलिए ये हाँ, अगर लोग इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ के देख रहे हैं कि चुनाव में मैं अपनी दावेदारी के लिए, तो वो भी ठीक है, कह सकते हैं अच्छा है कि हाँ मैं जनता की भी जाना चाहती हूँ उन माध्यमों से, उस माध्यम से कि हाँ मैं दावेदारी अपनी स्वयं को योग्य मान रही हूँ। तो करेरा नगर परिषद अध्यक्ष का पद इस बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे में नए चेहरे तो सामने आ ही गए हैं, लेकिन इस सीट पर पहले भी अध्यक्ष रह चुके कोमल साहू की पत्नी रजनी साहू के चुनाव लड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस की ओर से पोस्टर वार में अभी दीप्ति जितेंद्र शर्मा का चेहरा ही सामने आया है। हालांकि दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले गोपाल गोयल की पत्नी ललिता गोयल भी पूरी तैयारी में है, लेकिन पोस्टर वार से इन्होंने अभी दूरी बना के रखी है। नहीं, ये चुनाव की तैयारी तो नहीं कह सकते हैं, ये तो एक श्रद्धा है और मेरा आस्था में विश्वास रहता है, मतलब मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। और मेरा परिवार और हम पहला चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो हमें किसी आइडेंटिटी या उसकी आवश्यकता नहीं है। और जब हमारे भाव मन में भाव है कि समाज ही सेवा करना है, तो प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैं इसको प्रदर्शन मानता हूं, लेकिन अगर पार्टी मुझे टिकट करती है और मैं फाइनल कैंडिडेट होता हूं, तो हल्का फुल्का पोस्टर लगाएंगे, लेकिन अभी मैं इसको उचित नहीं मानता। करेरा सीट भले ही सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो, लेकिन महिला चेहरों को आगे लाने वाले इनके पति की सक्रियता बढ़ गई है। अगर ये कहा जाए कि पत्नियों के चेहरे पर पति अध्यक्ष के पद पर पहुंचने की जुगत में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पोस्टर वार में शामिल चेहरे प्रत्याशी बनते हैं या कोई नया ही चेहरा सामने आएगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। निकाय चुनावों को लेकर नेता चुनावी मैदान में उतर आए हैं। मुरैना के वार्ड 15 में वोटर्स को रिझाने संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में भी नहीं चूक रहे हैं। निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान में अभी वक्त है, लेकिन मुरैना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने वार्डों में ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। दोनों ही दल के संभावित उम्मीदवार जनसंपर्क में जुट गए हैं। मुरैना के वार्ड 15 की बात करें तो ये वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और बीजेपी से शिमला राठौर संभावित प्रत्याशी हैं। शिमला राठौर का कहना है कि आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्राथमिक मुद्दों में सबसे पहले वार्ड में जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाएगी। इसके साथ ही पीने के लिए साफ पानी स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी विकास को लेकर कई आरोप लगाए हैं। हमारे वार्ड नंबर 15 से गंदगी पड़ी हुई है, नालियां भरी हुई हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, हम उनको समस्या को समाधान कर सकते हैं। और क्या प्राथमिकता रही है आपकी? और सरकारी योजना को हम सभी प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब इसको जरूरतमंदों को हम किसको दिला सकते हैं लाभ? सर, हमारी नगर निगम चुनाव में जन प्रत्याशियों से यही मांग रहेंगी कि हमारे वार्ड में साफ सफाई, पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, ये आदि समस्याओं का निराकरण किया जाए। जो इन समस्याओं का निराकरण करेगा, आगे उसी व्यक्ति को नगर निगम चुनाव में चुनने के लिए सहयोग किया जाए। आंदोलन के रूप में युवाओं की टोली बनाकर सफाई अभियान, मेरा मोहल्ला मेरा स्वाभिमान,
क्षेत्र की समस्याओं को नगर निगम से अवगत कराते रहते हैं समय समय पर, लेकिन नगर निगम के उदासीन रवैये के कारण समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। क्षेत्रीय लोगों में प्रमुखतः पानी का निकास नहीं है, नालों का निर्माण हुआ लेकिन उनका सही ढलान नहीं है, सफाई नहीं है, इसको लेके नगर निगम के प्रति बड़ा एक गंभीर आक्रोश है। 2014 के चुनाव में वार्ड 15 से कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी हरिओम राठौर को हराया था। इस वार्ड की कुल आबादी 5,460 है और यहां से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों में प्रीति दुबे का नाम चल रहा है। प्रीति दुबे का कहना है कि इस वार्ड में रहने वाले गरीब और मजदूर परिवारों को शासन की हर योजना का लाभ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि निगम में बीजेपी का महापौर होने की वजह से कांग्रेस के वार्ड में बजट का बहाना लेकर विकास कार्यों को रोका गया। सबसे पहले तो मेरे काफी मुद्दे ये रहेंगे, पानी और सड़क बिजली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बाढ़ में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा, पानी की जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाया जाएगा। पूर्व पार्षद हमारे गौरव यादव सनी जी हैं और उन्होंने बहुत महत्व दी है काम पे, उन्होंने सड़कें बनवाई हैं और लाइटें लगवाई हैं, जल भराव का निराकरण किया हुआ है और स्वच्छता पे उन्होंने ध्यान दिया हुआ है, ये बीजेपी का गलत आरोप है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये तो साफ है कि मुरैना के वार्ड 15 में होने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 37 वोटों से जीत हासिल कर पाई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार वार्ड 15 की जनता किसको जीत का ताज पहनाती है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। प्रदेश में निकाय चुनाव का रण फतह करने के लिए कांग्रेस नए प्लान के साथ आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की तैयारी में है और यही कारण है कि अब महिला कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ को भाई के रूप में पेश करने जा रही है, यानी इन चुनाव में नारा मामा शिवराज वर्सेस भैया कमलनाथ सुनने को मिल सकता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की छवि को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। निकाय के रण में प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए अब महिला कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ को भाई बनाने जा रही है। इसके लिए महिला कांग्रेस ने तैयारी भी कर ली है और इस खास तैयारी के साथ कमलनाथ भाई को महिला कांग्रेस प्रदेश के घर घर तक ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा महिला कांग्रेस ने नारा भी तैयार किया है जो है, कमलनाथ भाई का साथ निभाना है, निकाय के रण में कांग्रेस को जिताना है। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे भाई हैं, भाई के नेतृत्व में हमारी बहनें सड़कों पर उतरेंगी और सड़कों पर उतर के अपने भाई के लिए हम लोग चर्चा की है कि हम भाई के लिए काम करेंगे। आज हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जब बहनों के लिए, चाहे स्वयं सहायता समूह की बात करें या हम महंगाई की बात करें या आत्मनिर्भर होने की बात करें, तो हमारी जैसी सरकार बनी कमलनाथ जी ने बेटियों के विवाह के लिए पैसा दिया, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने लाभकारी योजना लाया उसमें पैसा दिया, उन्होंने हमारी बहनों की जो पेंशन है उसकी ओर ध्यान दिया, तो इन सब को लेके महिला घर घर तक जाएंगी और सबका सबकी सोच यही है कि भाई आपने तो मामा बने हो, हमारी अब बहनें भाई बना रही हैं। कांग्रेस कमलनाथ को भाई बताकर महिला मतदाताओं से ना सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश में है बल्कि अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान महिला कांग्रेस कमलनाथ के सीएम रहते हुए महिलाओं के हित में चलाई गई योजनाओं के बारे में उन्हें बताएगी। मामले में बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, बीजेपी की माने तो निकाय चुनाव में उसकी जीत पक्की है। देखिए अभी तो वहाँ कितने भैया हैं इसी को लेकर संघर्ष चल रहा है, कांग्रेस पूरी तरह से निराशा और हताशा के दौर से गुजर रही है, आपसी गुटबाजी में उलझी हुई है और चुनाव में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं टिक पाएगी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों से तो ये साफ लग रहा है कि निकाय का रण भी विधानसभा चुनाव से कम दिलचस्प नहीं रहने वाला। दोनों दल महिला वोटर का मन टटोलने की कोशिश में लग गए हैं। दोनों पार्टी ये बखूबी जानती है कि ये वर्ग जिधर गया उसका बेड़ा पार होना तय है, लेकिन महिला कांग्रेस का प्लान कमलनाथ भाई कितना सफल हो पाता है और इसका कितना लाभ निकाय के रण में कांग्रेस को मिलता है, ये तो निकाय के चुनाव नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इसकी शुरुआत करते हुए अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने दांडी मार्च यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के सपनों के भारत को बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज लॉन्च्ड अ सेलिब्रेशन ऑन अ जाइगेंटिक स्केल। एक अवसर हम सबको मिलेगा और अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्तों को नमन करने का अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हों, अंग्रेजों की फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, रानी गाइडिनल्यू हो, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अस्फाउल्ला खां, गुरुराम सिंह, टिटुस जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथ दर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी, हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास, हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।